गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर 8, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। चलो स्टार्ट करते। June 24, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एंड द मिस्ट कम क्लाइंबिंग अप द हिल। परहैप्स दैट व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलंकोली। Not only does it conceal the hills, it blanket them in a silent too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song, and now the forest is deadly still through with their midst. Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. June 24, अब पहला दिन मॉनसून का, ठीक है? तो अब लग ही नहीं रहा कि कुछ चेंज हो। बहुत सारी चेंजेस हो गई है। अभी जो चिड़िया चींच करती हुई, बर्ड्स अच्छे से अपनी चींची, मतलब जैसे बर्ड्स बोलते हैं उनकी आवाज़ से एक सॉन्ग टाइप बनता है, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जैसे कि मॉनसून आने के बाद सब कुछ ढक सा गया है। अब पहाड़ी में भी ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ी से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, पूरा धुआं धुआं, कुछ दिख ही नहीं रहा, और जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई रहता ही ना हो, एकदम डेड हो गया होगा ना, ऐसा फील आ रहा है। ठीक है, मेरी बहन, मैंने बुलाया, मेरी बहन आ तो रही है पर उसकी आवाज़ सुनाई दे रही, पर वो दिख नहीं रही क्योंकि हर जगह धुआं धुआं है, तो कहाँ से दिखेगा कुछ भी। June 25, some genuine early monsoon rain, warm and humid, and now that cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and the post office. The maze offers a certain privacy. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could see was a paradise that might have been. अब 24 जून, June 25, ठीक है? कब का 24 जून किया था, अब June 25। June 25 को सुबह सुबह मॉनसून की मतलब बारिश, वो ना एकदम मतलब वार्म, गर्म हाट सा और एकदम अच्छा फील कराती है। पर अब जो है ना, अब सुबह सुबह बारिश का मौसम ना एकदम जैसे बर्फ सी गिर रही हो ना, ऐसा फील आता है। प्लांट्स ऐसे लगता है कि कोबरा लिली हो, मतलब द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट हेयर फ्रॉम द फर्न्स आई वॉक अप टू द ब्लैंक ऑफिस। क्योंकि जब मैंने पहली बार, मतलब मॉनसून सीजन में पहली बार मैंने कोबरा लिली देखी जब मैं बैंक ऑफिस गया, तब बैंक पोस्ट ऑफिस के पास देखा मैंने उसको। तो एक स्कूल बॉयज ने पूछा कि हिल स्टेशन और वैली, वन सेंटेंस, एंड ऑल आई कुड सी वॉज अ पैराडाइज दैट माई हैव बीन। अब स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा कि हिल स्टेशन और वैली के बारे में एक सेंटेंस में बता। तो उसने बोला कि एक ऐसी जगह जहाँ पे, जाने के बाद आप सोचोगे कि ऐसी दूसरी जगह है ही नहीं। June 27, द रेन हैव हर्लेड The arrival of some seasonal visitor, a leopard and several thousand leeches. Yesterday afternoon, the leopard lifted along a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked on one of Biju's cows, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming in prescience. As from the leeches, I saw soon get use a little bloodletting every day. अब क्या है, June 27, बारिश चालू है, ठीक है,
कुछ सीजनल बेसिस पर। अब बारिश हो गई हो तो जो यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते हैं जानवर, वो अब काफ़ी सारे उन्होंने लेपर्ड और काफ़ी सारे लीचीज को देखा। यस्टरडे उन्होंने देखा कि एक लेपर्ड जो डॉग जो सर्वन क्वार्टर के पास जो डॉग था उसके ऊपर झपट्टा मारा। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा कि वो एक खुद बीजूस की गांव पे भी उन्होंने कोशिश की है अटैक करने की, पर वो डर के मारे चले गए क्योंकि उसकी बीजूस की जो मदर है वो आ जाती है, इसकी वजह से वो बच जाते हैं। और काफ़ी जो लीचीज होते हैं वो हमारे बॉडी पे चिपक जाते हैं, और वो क्या करते हैं एक बार चिपक गए तो उससे बचना मुश्किल है क्योंकि वो हमारा खून पीती है। ठीक है, अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट माइनमिट्स। द फीमेल्स आर येलो, फ्लोटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री, दीज स्प्रेडिंग कलर बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स ऑल थ्रू बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट। दे समटाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस अलोंग कम अ फेयर एंड ड्रोगोस अननेसेसरली एग्रेसिव चेजिंग द मिनी मिनट्स अवे। और कुछ और भी होते हैं जो आते हैं, जैसे स्कारलेट मिनिमिट्स, ये एक टाइप के बर्ड होते हैं जो बहुत ही छोटी होते हैं, बहुत ही छोटी से बर्ड होती है वो, और कुकू की तरह होती हैं बर्ड, पर वो रेड कलर की होती हैं। रेड कलर यानी कि मेल होता है और येलो कलर फीमेल होता है। ठीक है, तो वो भले कितना भी पेड़ हरा भरा की ना हो पर वो जब चिड़िया आती हैं बहुत सारी चिड़िया एक साथ तो एकदम सुनहरी टाइप का लगता है, तो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा दिखता है वो। ठीक है, तो कई बार वो आते हैं पर वो कई बार साइलेंटली एकदम चुपचाप चले भी जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उनको परेशान करते हैं, वो बहुत गुस्से वाले होते हैं तो वो उनको परेशान करते हैं तो वो चले भी जाते हैं। द ट्री चीपर्स मूव्स रैपिडली अप टू द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री शेपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे। नाउ दैट द रेन आर हियर देयर इज नो डेट ऑफ फूड फॉर इंसेक्टिवायरस पर। यानी कि बारिश आने की वजह से काफ़ी सारा नुकसान होता भी है, एक तरफ से अच्छा भी होता है एक तरफ से नुकसान भी होता है, क्योंकि बारिश के कारण इंसेक्ट्स वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है काफ़ी सारे पेड़। अब बारिश के कारण अब काफ़ी सारे मतलब बहुत इंसेक्ट्स मिलते भी हैं, इंसेक्ट नहीं भी मिलते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसके कारण। अब दूसरा पार्ट, अब अगस्त 2, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रम्पिंग ऑन द कॉरिगेटिन रूफ। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म नो थंडर जस्ट द स्टेडी स्वीप ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, एट द सेम टाइम इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम द स्लीपिंग। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन एंड ऑल थ्रू द रूफ्स आर गिविंग द स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बींग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। अगस्त टू बारिश गिर रही है रूफ पे, मतलब कि बाहर ज़मीन पे बारिश गिर रही है बहुत, पर बिना बिजली कड़कने के, बिना ठंडर के, बिना ऐसे, बस सिर्फ बारिश के लिए। और उस बारिश में इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि मैं सो रहा था पर मैं सो नहीं पाया, ऐसा बस वो बारिश की बूंदों की आवाज़,
मुझे बहुत अच्छा फील दिला रही है, और ऐसा लगता है कि भले उसको टच नहीं कर रहे फिर भी ऐसा फील होता है कि हाय क्या मस्ती बारिश हो रही है, इतनी अच्छी फील आ रही है उसको टच करने से। अगस्त 3, द रेन स्टॉप्स, द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक द हिल ऑन माय लेफ्ट, अ वुमेन इज चॉपिंग अप द स्ट्रीट, आई हियर द ट्विंकल ऑफ काउ बेल्स इन द ओक ट्री, अ काउ शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड काउज डिसकंट्रोलेडली वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप एंड सडनली क्लीन एंड प्योर, द सॉन्ग ऑफ विसलिंग थ्रस्ट इमर्ज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ रेन। अब क्या है ना, अगस्त 3 को बारिश रुक गई और क्लाउड्स जो हैं ब्रेक हो गए, मतलब काले बादल हट गए और सूरज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब सूरज दिखाई दे रहा है तो हिल माउंटेन जो भी है वो दिख रहा है। अब वो दिख रहा है तो उसने देखा है कि एक औरत जो है वो ट्री काट, मतलब लकड़ियाँ काट रही है। ठीक है, आई हियर द ट्विंकल ट्विंकल काउबेल, यानी कि गाय की गले में जो घंटी लगाई हुई है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही, और वो खड़े होके मतलब अपने कानों से ऐसे, जैसे हमने देखा हो कि वो अपने शरीर पे से बारिश की बूंदें हटा रही है। ठीक है, चिड़ियाँ काफ़ी सारे वो अपनी फेदर से शेक करके। अब दूसरा है क्या है, और पाइप में से जो अब छत के ऊपर पानी भर गया है तो वो पाइप से निकल रहा है, पर वो पानी कितना साफ और एकदम क्लीन है। रिवाइंड, वो एकदम बहुत ही अच्छा सा था। अगस्त 12, एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस, वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, एवरीथिंग डैम्प्ड एंड सॉगी, नाउ आई गो पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो, अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेला, एटलीस्ट इट इजंट इट कोल्ड रेन, द हिल साइड आर लश एज लेट, मॉनसून फ्लावर बींग टू अपियर वाइल्ड बल्सम डेलियास बेंगोनियस एंड ग्राउंड ऑर्चिड। अब क्या है, अगस्त 12 को बिना रुके बारिश हो जा रही है, जैसे कि परमानेंट मिस, और बारिश हो रही है तो अब हर सुबह इतनी बारिश और हर जगह धुआं धुआं, मतलब फॉग टाइप एक टाइप का हो चुका है। अब ठीक है, अब उन्होंने कहा 8-9 दिन तक सूरज को देखा ही नहीं, और विंडो से देख रहे हैं तो विंडो से खाली सिर्फ हिल साइड पे जो मॉनसून के फ्लावर्स होते हैं वो भी दिखना चालू हो गए हैं, बल्सम डेलियास होंगे और काफ़ी सारे। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लास्ट मॉनसून ग्रोथ हैज़ रीच इट पीक, द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड सिग्निफाइंग दैट द रेन आर कमिंग टू एन एंड, इट इन अ फ्यू डेज द फॉग्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो बट राइट नाउ दे आर स्टिल फॉर्म ग्रीन एंड अपराइट, ग्राउंड ऑर्चिड मोव लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड पुट ऑन द फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रास स्लोप ऑफ लैंडर, वाइल्ड डेलियास रेड येल्लो एंड मैंगिटा नियर द देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रीव्स वेयर दे हैव टेकन होल्ड, स्नेक्स एंड रॉडन
flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and grounds. A shrew wakes of eyesight blunder about the rooms, much to the amazement of the children. Don't kill it, advances their nurses. Their grandmother Chandrachar are lucky, the being money. And sure enough, I received a check in the mail, not a very large one, but welcome all the same. अब अगस्त 31st को लास्ट डे था अगस्त का, ठीक है. अब वो देख रहे हैं कि जो कोबरा लिली है वो क्या बोलते हैं, रेड टर्न हो रहे हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि बारिश ख़त्म होने वाली है, ठीक है. मॉनसून सीज़न ख़त्म होने वाला है. काफ़ी दिनों हमने देखा कि वो इन फ्यू डेज फॉर्म्स लाइक स्टनिंग येलो. काफ़ी सारे जो भी फ्लावर्स वगैरह थे वो बहुत सुंदर दिख रहे थे. काफ़ी नए ग्रीन ग्रीनी ग्रास पे फ्लावर्स इतने खूबसूरत लग रहे थे कि क्या बोले. और जो बारिश के कारण ज़मीन के अंदर चले गए थे, अपने अपने घर के अंदर घुसे हुए थे, वो बाहर निकल रहे हैं, अच्छी सांस ले रहे हैं, खुल के जी रहे हैं. स्नेक्स वगैरह वो बाहर आ चुके हैं, ठीक है. वो मानने भी जाते पर उनकी ग्रैंड मदर मना करते कि नहीं मानना चाहिए इनको. वो भी अपने घर से अभी बाहर निकले क्योंकि बारिश का सीज़न ख़त्म हो चुका है. अक्टूबर 3, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मॉनसून इनटू विंटर रेन स्नो एट द हायर अल्टीट्यूड आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म. द स्काई एंड द हिल आर सुपर्स्ट विथ अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट. अब अक्टूबर आ गया. अक्टूबर में क्या है कि एक साइड बारिश ख़त्म हुई तो दूसरी साइड विंटर चालू हो गया. अब विंटर के हिल साइड पे तो विंटर के अब स्नो गिरेगी, पर वो स्नो गिरती है पर वो फॉग के बीच में वो सूरज की रोजो रोशनी एकदम गोल्डन लाइट की तरह दिखती है. 26 जनवरी, विंटर रेन इन द हिल्स. In the hush silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it a very lonely, very quiet, and I sit in the liquid silence and silence within, surrounded by the rhythm of rain and the steady drip of water on the leaves, on lemons, on roof, drumming on wretched dahlias and window panes. While the mist holds the house in the dark carriage, as I pause near a window, the rain stops and the start again, and the trees no longer green, but the grey menace me with their loneliness. 26 January, अब सर्दियों की बारिश चालू हो गई है हिल साइड पर, और मैं अकेला था घर पर, मेरा एक फ्रेंड भी जो आया था, हम दोनों हैं, लेकिन एकदम साइलेंट सा है, एकदम चुप सा हम लोग बैठे हुए हैं. मैंने विंडो की ओर देखा तो वो पूरा ढक सा गया था. बारिश गिर रही है, चालू हो रही है, और बारिश मतलब आ जा रही है. तो अब जो भी बारिश की जो बूंदें हैं, जो रूफ़ पे गिर रही है, ज़मीन पे गिर रही है, लेमन पे गिर रही है, लिपानी पत्तों पे गिर रही है, तो वो एक साउंड बना रहे हैं. इतना अच्छा साउंड है कि क्या बताएं. वो साउंड सुनते कि वाव, साइलेंट मतलब अच्छा फील हो रहा है, ठीक है. और विंडो पेंस पे तो जैसे कि डार्कनेस ही छा गई हो. बाहर देखो तो बारिश पूरे काले बादल छाए हुए हैं, और ट्रीज भी ग्रीन ज़्यादा दिख नहीं रहे. सर्दियों के टाइम तो पेड़ ग्रीन दिखेंगे नहीं, ग्रे दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ढका गया है पूरा इसलिए. और एकदम अकेला जैसे सुनसान टाइप हो गया ना, इस तरीके का फील हो रहा है. ना चिड़ियों की आवाज़, ना गाड़ियों की, कहीं पे भी कुछ आना जाने की भी आवाज़ नहीं हो रही. सिर्फ घर में ही घर में एकदम लोनली सा फील हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है मार्च 23, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर. द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई एवर सीन स्क्वेटर ओवर
मसूरी एंड इट हेल मार्बल फॉर हाफ एन आवर नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई इवन एज आई राइट आई सी रेनबो फॉर्मिंग। अब 23 मार्च विंटर ख़त्म और मैंने बाहर देखा, बाहर अब ज़्यादा काले बादल दिख नहीं रहे मुझे और मसूरी के वो सुंदर सुंदर ठंडी हवाएं एकदम चमचमाता, अब बारिश की बूंदें तो जो चमक रही है वो कितनी सुंदर लग रही है, आसमान एकदम क्लियर साफ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने देखा तो वहाँ पे रेनबो मुझे दिख रहा है बहुत ही सुंदर सा। ठीक है, ये है मॉनसून डायरी। मॉनसून के बारे में, पहले मॉनसून के बारे में बताया, फिर विंटर के बारे में बताया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।